वेलकम टू रंगारसन अकादमी, लेक्चर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक एलिमेंट होता है कार्बन, तो कार्बन की बिल्कुल मोहब्बत के साथ अपन एक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के लिए बेसिक एलिमेंट होता है कार्बन। अगर आपको कार्बन की केमिस्ट्री समझ में आ गई तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा, इतना ईजी हो जाएगा कि आपको सिर्फ रात दिन नींद में आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखेंगी। और एक बार किसी के साथ मोहब्बत होना चालू हो जाता है तो बहुत प्यार के साथ मोहब्बत होती है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बहुत प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ना है, डर और नर्वस होके नहीं, ऐसा पढ़िए ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसेप्ट से लेके पढ़ाई करेंगे। क्या होता है, साइंस ये बोलता है कि बापू पढ़ना है तो कंसेप्ट से पढ़, ठीक है, ऐसा पढ़ कि दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत ना मिले। बस उसी पॉइंट रख के मैं आपको आज के लेक्चर में कार्बन की सिंपल और प्यारी सी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, कार्बन का जो एक नेम है और इसका जो सिंबल है, द सिंबल ऑफ द कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन इज कैपिटल सी। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, सर क्या पढ़ा रहे हो, हमको तो ये सब पता है, लेकिन पढ़ना यही से पढ़ेंगे अपन को, अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो भी नहीं पता होगा, आपको सब चीज़ें मैं बता दूंगा। सिंबल ऑफ द कार्बन जो कैपिटल सी, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6, ओके। और इसका जो नेचर होता है, वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, इसके जो अगर वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज अ 4, इसको अपन अल्टीमेटली टेट्रा वैलेंट बोलेंगे। अगेन ऑक्टेट इन नेचर, इज अ ऑक्टेट इन नेचर, ओके। देन कार्बन अपने अंदर कार्ब कटायन फॉर्म करता है, कार्ब अनायन फॉर्म करता है, टू मेकिंग ऑफ द कार्ब कटायन एंड कार्ब अनायन। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ करेगा, ओके। तो लेक्चर के मुताबिक कार्बन का वैलेंसी, कार्बन ऑक्टेट इन नेचर क्यों है, कार्ब कटायन क्या होता है, कार्ब अनायन क्या होता है, ये अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन की वैलेंसी थी 4, सर ऐसा ही क्यों, वाई, आपको मैंने पहले बार बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो आप वाई की स्टडी कीजिए, डेफिनेटली आपको वहां से हर चीजें समझ में आ जाएंगी और पता हो जाएंगी। तो देखिए, अपन बहुत माइनर और बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे, शायद आपको ये चीजें ऑलरेडी पता है, लेकिन लेक्चर में ये चीजें पता होने से लेक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए, अब कार्बन जो है ये अल्टीमेटली एलिमेंट है, ओके। अब मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट बहुत टाइप के होते, दुनियादारी के एलिमेंट आपको दिखेंगे मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मेटालॉइड्स। तो जो भी एलिमेंट हो उनका खुद का नेचर होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। तो कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, और जो भी एलिमेंट होता है उनका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। तो एलिमेंट का अगर आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो स्ट्रक्चर ऑफ दी एनी एलिमेंट, मैं यहाँ पे कार्बन की बात कर रहा हूँ, जनरल चल रहा हूँ थोड़ा सा, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ दी एनी एलिमेंट, एलिमेंट के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती है, अथवा दो कंपोनेंट से कोई भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक सेंटर पार्ट और सेकंड होता है आउटर पार्ट। जो एलिमेंट का आउटर पार्ट होता है उसको अपन ओ फॉर आउटर, ओ फॉर ऑर्बिट बोलेंगे, और जो एलिमेंट के अंदर सेंटर पार्ट होता है उसको अपन न्यूक्लियस बोलेंगे, ऑल्सो नॉन दी न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस जो होता है ये बेसिकली दो कंपोनेंट से बना रहता है, फर्स्ट इज द प्रोटॉन एंड सेकंड आर दी न्यूट्रॉन, ओके। और जो आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्बिट ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है स्मॉल ई, ओके, एंड प्रोटॉन का सिंबल है स्मॉल पी, न्यूट्रॉन का सिंबल है स्मॉल एन। पी फॉर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, उसकी स्टार्टिंग पी से हो रही है करके प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन की स्टार्टिंग एन से हो रही करके एन, इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग ई से हो रही करके ई। इनको चार्ज दिया गया है, इलेक्ट्रॉन होल्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जलेस, इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, ओके। कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 1 से 18 एलिमेंट होते हैं, उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया डिपेंडिंग अपॉन फॉर एटॉमिक नंबर। तो जो कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6,
तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी स्ट्रक्चर में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पाए गए, करके इसको 6 नंबर दिया गया है। ओके, तो अपन इसका सिंपल एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कार्बन के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, तो इसमें आपको 6 प्रोटॉन दिखेंगे। ओके, और प्रोटॉन होल्ड टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होल्ड टू इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, दोनों अगर निगेटिव चार्ज आते हैं तो इनके बीच में फिर से रिपल्शन होगा। वन पॉजिटिव अनादर निगेटिव, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, तो प्रोटॉन इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू दी प्रोटॉन। ओके, तो कार्बन के स्ट्रक्चर में, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको ये जानना है कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है और उसका ऑक्टेट क्यों होता है। ओके, तो कार्बन के स्ट्रक्चर में सेंटर में आपको 6 प्रोटॉन दिखेंगे जो न्यूक्लियस में हुआ करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होते, न्यूट्रॉन 6 भी हो सकते, 7 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, डिपेंड करेगा कार्बन आइसोटॉप के फॉर्म में है या नहीं है। अब न्यूक्लियस जो रहता है वो अल्टीमेटली किससे बना हुआ है, हमारे प्रोटॉन से बना हुआ है। तो कार्बन के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन दिखेंगे। आउटर में ऑर्बिट, तो किसी भी स्ट्रक्चर में ऑर्बिट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, लेकिन न्यूक्लियस हमेशा एक ही होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है। कार्बन के स्ट्रक्चर में 2 ही ऑर्बिट हुआ करती है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होते हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ओके, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हमारे 1s के है। ओके, अब जो ऑर्बिट होते एस, जो हमारे ऑर्बिट में जो सेल होते एस सेल पी, सॉरी सेल के अंदर सब सेल होते एस पी डी एफ, तो एस का जो पावर है वो होता है 2 का, पी का जो पावर होता है वो होता है 6 का। सर एस इक्वल टू 2 ही क्यों होता है, क्योंकि मॉडर्न पेयर टेबल में एस ब्लॉक के 2 ही ग्रुप होते हैं 1 और 2, करके इसको अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ओके, मॉडर्न पेयर टेबल में जो पी ब्लॉक होता है वहां पे कुल मिला के ग्रुप होते 6 फ्रॉम 13 to 18, पता नहीं तो आप देख लो आपको मिल जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे 6 और 6 को अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा अगर पी रहा तो स्टेबल होता है, ऐसा अगर एस रहा तो स्टेबल होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टार्ट होता है 1s 2s 2p। ओके, तो यहाँ पे 1s के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। अब इसके एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन था, ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। ओके, ऐसा ही क्यों, इसके पीछे रीजन है, आपको मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा। फिर सेकंड ऑर्बिट होगा, तो यहाँ पे फिर से आपको 1s के बाद क्या आएगा 2s, तो यहाँ पे 2s के आपको कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फिर हुए कितने कुल मिला के 4, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन। हम उस एलिमेंट की स्टडी करें जिसका एटॉमिक नंबर है 6, अपन को और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1s के बाद 2s और 2s के बाद अपन चलते हैं 2p के पास। तो 2p, पी कोई भी हो, 2p 3p 4p, तो पी के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। सर मैं यहाँ पे 6 अगर रखा तो ये 6 और ये 4 10 हो जाएगा। मैं नियॉन की स्टडी कर रहा हूँ क्या, नहीं, अपन स्टडी कर रहे हैं कार्बन की। तो यहाँ पे अपन को रखना पड़ेगा 2 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कितने का हो चुके हैं 1 2 3 4, अपन को लग रहे 2, तब जाके होगा 6 जो एटॉमिक नंबर कंप्लीट होगा। तो मैं 1 2, अब एक ही में पूरा पैक नहीं करेंगे, एक एक करके आपको रखना पड़ेगा, इसके पीछे भी इसकी केमिस्ट्री है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे देखिए आप कार्बन का एटॉमिक नंबर फुलफिल हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं। होता यू कि इसमें आप ये जो है 2p, ये होगी अपनी ग्राउंड स्टेट होगी, विद स्टेट दैट इज द ग्राउंड स्टेट। इस ग्राउंड स्टेट में इसका एटॉमिक नंबर तो फुलफिल हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, दैट इज द, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 2p के। ओके, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये होगी अपनी एक ग्राउंड स्टेट। ओके, दे आर द ग्राउंड। अब ग्राउंड स्टेट में लफड़ा ये आ रहा है कि ये जो 2p है ये अपने आप को अनस्टेबल समझ रहा है, इज नॉट अ सेटिस्फाई, क्योंकि इसके पावर होता है 6 का, है इसके पास 2, तो ये बेचारा अपने अंदर एक नाराज है, नर्वस है। अब 2s जो है इसके पास 2 है। ओके, तो ये अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए 2s अपनी इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, शेयर करेगा। जब शेयर करेगा तो सीधा ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट।
अब देखो ये हो गया अपना 2p, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसने एक दिया तो ये 2p का ये वाला ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगा। फिर 2s ने दिया तो 2s के पास कितना बचेगा, 2s के पास मात्र 1 ही बचेगा। पिक्चर समझ आई? ओके, अब यहाँ तक तो सर आपने हमने ऐसा तो बुक में पढ़े, लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन ऐसा डेवलप हो रहा है कि 2s ने ही इसको इलेक्ट्रॉन दिया, 1s ने क्यों नहीं दिया, इसके पीछे भी रीजन है जो मैं यहाँ पे आपको साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ। ओके, होता यू कि ये जो है 2s और 2p ये हमारे सेकंड सेल में है ऑर्बिट, ये जो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ओके, तो अपने जो सेकंड सेल जो होती है दैट इज दी एल सेल, ये बेसिकली 2s और 2p से बनती है। यहाँ पे कुल मिला के आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। जो फर्स्ट सेल होती है के सेल, ओके, उसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे 1s के, और जो थर्ड सेल होती है वहां पे 18, देन उसके बाद 32, उसका फॉर्मूला था टॉयसन स्क्वायर, वो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अपना पार्ट ए। तो 2s ही इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब जाके इसको अनस्टेबल से क्या करेंगे, स्टेबल, क्योंकि 2p यहाँ पे 2 है, लेकिन चाहिए कितने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, 6। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको करना क्या अपन को, स्टेबल। तो इसने 2s ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये थोड़ा अपने आप को एक सेटिस्फाई समझ रहा है, कौन, 2p, अब अपने अंदर समाधान हो गया, 2s ने दिया। ओके, तो 2s ने क्यों दिया, 1s ने क्यों नहीं दिया, उसके पीछे रीजन क्या है? तो फोर्थ साइंटिफिक रीजन कि 2s और 2p ये दोनों L सेल में पाए जाते हैं और 1s K सेल में पाया जाता है, यानी 1s फर्स्ट ऑर्बिट में, 2s और 2p हमारे सेकंड ऑर्बिट में है। तो एक ही ऑर्बिट में होने से 2s 2p को इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। जब एक ही घर में दो लोग हैं तो अगर दोनों को अगर नीड है किसी कंपोनेंट की तो आपस में वो शेयरिंग कर सकते। तो 2s इसको 2p, ये पड़ोसी वाला है मकान, वो जाएगा कब, देंगे कब, ऐसा प्रॉब्लम है करके 2s 2p को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि एक ही सेल में है। कौन से सेल में 2s 2p हमारे कुल मिला के कौन से सेल में बिलोंग कर रहे, एल सेल। एक ही सेल में होने से वो इजीली उसको दे पाता है। सेकंड रीजन यहाँ पे ऐसा है क्योंकि 1s फर्स्ट सेल में, 2s 2p एक ही सेल में, सेकंड सेल में, एक ही सेल में, एक ही मकान में, तो इजीली ये शेयर कर पाएंगे। सेकंड रीजन ऐसा है, ये होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन। तो कहीं ना कहीं ऑर्बिट न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है थोड़ा कम है, फर्स्ट ऑर्बिट अब न्यूक्लियस और सेकंड ऑर्बिट का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। अब क्या होता है, इसके भी इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के, फर्स्ट सेल के और सेकंड सेल के भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इट्स निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये 1s के जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये कहीं ना कहीं किसके तरफ अट्रैक्ट होकर रखेंगे, न्यूक्लियस के तरफ। 2s के इलेक्ट्रॉन जो है ये भी न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन देता किसको है, 2p को। क्यों? क्योंकि 1s जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जहाँ पे 1s इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है, और जहाँ पे डिस्टेंस कम, दो अपोजिट चार्ज आ गए और डिस्टेंस कम, तो आप समझ गए वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 2s के, और इधर न्यूक्लियस में रहा प्रोटॉन, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है 1s के कंपेयर में, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने से यहाँ पे अट्रैक्शन कम रहेगा। कुल मिला के मुझे कहना यह है कि 1s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर रहते करके ये उसको शेयर नहीं कर पाता। 2s के इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होकर रहते लेकिन इसके कंपेयर में कम अट्रैक्शन होता है करके ये इसको शेयर कर पाता है। फर्स्ट रीजन क्या था यहाँ पे कि एक ही सेल में दोनों सब सेल है। सेकंड रीजन कि इसका 1s का अट्रैक्शन न्यूक्लियस तरफ ज़्यादा होता है। ओके, अब ऐसा जब हो गया तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे आ गया, वो एक्साइटेड स्टेट। तो इसके अंदर कुछ आपको क्या दिखेंगे, चेंजेस। तो ये हो गया कार्बन। तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट अगर आप देखते हो तो कार्बन के अंदर दो, कार्बन की स्ट्रक्चर में आपको दो ऑर्बिट दिखेंगी, एक सेंटर फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो सेकंड ऑर्बिट है वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1, 2, 3, 4। जो बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते उस ऑर्बिट को बोलते, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अपन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन।
तो इसमें ये वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अंदर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और फोर के फोर अनपेड है, यानी स्टेबल है। क्या छह चाहिए है, तीन दो चाहिए है, ये पूरे के पूरे कैसे अनस्टेबल है, यानी अनपेड है। अनपेड है तो जो अनपेड होता है वो पेड करना चाहता है। जिंदगी का एक रूल है, एक रुबाब है, और ये कैसा माना जाता है कि जो अनपेड होता है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, पेड करना चाहता है। ये भी बेचारा अनपेड है, ये भी अनपेड, वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा, ये भी अनपेड है, ये वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा, ये भी अनपेड यहाँ पे राइट किया, ये भी अनपेड यहाँ पे राइट किया। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोर के फोर अपने आप को पेड करना चाहेंगे। तो पेड जब करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे पूरे अनपेड है तो ये भी बॉन्ड बनाएगा। ओके, ए भी अनपेड है तो ये भी बॉन्ड बनाएगा, ए भी अनपेड है तो ये भी बॉन्ड बनाएगा, और ए भी अनपेड है तो ये भी बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के साथ कार्बन की वैलेंसी फोर होती है, टेट्रा वैलेंट इन नेचर। जब पेयर हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट का होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट का होगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट का होगा। पहले कैसा था, ऐसा था अनपेड, जब किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। तो कार्बन के स्ट्रक्चर में आपको कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तब जाके ये अनपेड से पेयर होगा और अपने आप को क्या कर पाएगा, स्टेबलाइज कर पाएगा। अब कार्बन के स्ट्रक्चर में कुल मिला के पेयर होने के बाद आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। कार्बन होता है ऑक्टेट इन नेचर, ऑक्टेट इन नेचर। ओके, कार्बन को टेट्रावलेंट क्यों बोला गया, क्योंकि कार्बन के स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने आप को पेयर करेंगे तो फोर बॉन्ड बनाएंगे, करके कार्बन होता है टेट्रावलेंट इन नेचर। अब इसके आगे का पार्ट पढ़ा रहा हूं आपको, फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अब एक बहुत छोटा सा पैरा सा अपन कंसेप्ट, अभी मैंने आपको स्टडी रीजन बता दिया कि वैलेंसी फोर ही क्यों है। अब अपन जानते हैं ऑक्टेट, तो कार्बन का क्या होता है, ऑक्टेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्टेट क्यों आया सर, अनपेड को पेड कैसा करता है, कुल मिला के बात ऐसी होती है। तो जैसे कि ये लेट कंसिडर कार्बन है, कार्बन का एक स्ट्रक्चर लिया मैंने, इसके अंदर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, फोर्थ ऑर्बिट जो है ये 1s इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट जो है यहाँ पे आपको 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्म क्या आता है, 1s2 2s2 एंड 2p2 था। ओके, यू विल गेट टू द 6। तो कहना कहीं ये कार्बन के साथ आपको ये 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 जो बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलेंगे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही बॉन्ड बनाते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते नहीं, यहाँ पे 1s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सेंटर में क्या होता है, कोई भी इलिमेंट उसके सेंटर में क्या होता है, ऑर्बिट। यहाँ पे आपको 1 प्रोटॉन दिखेंगे, आउटर में क्या दिखेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1। ओके, हाइड्रोजन नंबर 1 थी, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों रखा गया कार्बन में, क्योंकि इसका हाइड्रोजन नंबर होता है 6। अब इधर भी क्या होगा, ये सेकंड हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन, थर्ड हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन, थर्ड हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन अपने आप अनपेड है, जब इसने इसको पेड किया, इसने इसको यानी पेड इन द सेंस ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, इन आपस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयरिंग होंगे, इन आपस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयरिंग होंगे, इन आपस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे, यानी हाइड्रोजन अब ऐसा है। ओके, समझ में आया कि आपको समझ में आया होगा, ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर का, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। ओके, और ये जो है ये हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसको भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इनमें शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन। ओके, इनमें भी आप इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयरिंग होगा, और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेकिंग द बॉन्ड इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बन के आएगा इसको मैं इस तरीके से राइट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक टू हियर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड से पेयर होता है तो कार्बन के पास आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, कुल मिला के 8 करके। कार्बन होता है ऑक्टेट इन नेचर, अब ऐसा होता है। ओके, अब एग्जांपल कीजिए, अब मैं आपको पढ़ा हूँ कार्बन कटायन और कार्बन अनायन। तो कार्बन को स्टेबल होने के बाद कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल मिला के 8 होते हैं। ओके, अब कार्बन के साथ किसी दूसरा एलिमेंट आए, इसके साथ थोड़ा छेड़खानी किए तो इसका नेचर क्या होगा, चेंज होगा। अगर बाय द वे सपोज, यानी ये ऐसा है टेट्रावेलेंट 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसका एक बॉन्ड अगर मान के चलो ब्रेक हो गया,
ये बॉन्ड क्या हो गया, ये ऐसा भी अपन लिख सकते, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके पास कितने बॉन्ड बचेंगे, 3 बॉन्ड बचेंगे, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस हो गए। और एक्चुअली कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट, अब 2 इलेक्ट्रॉन किसी कारण वो लॉस हो गए, क्योंकि कार्बन के साथ किसी दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा, उसने कार्बन का नेचर चेंज कर दिया, तो कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको, 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 3 बॉन्ड दिखेंगे। एक्चुअली कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तब जाके क्या होता है स्टेबल, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज उसने लॉस किया, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव के ऑप्शंस में यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन, और कटायन कहाँ पे बना, कार्बन के ऊपर, इसको बोलेंगे अपन कार्ब कटायन। तो कार्ब कटायन की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत से बच्चे हाँ कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, घर की खेती नहीं है, इज नॉट टू कार्ब कटायन, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव से कार्ब करना होता है, ऐसा नहीं होता बापू। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होने के बाद कार्बन में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन सिंपल बोलेंगे व्हाट डू मीन बाय कार्बो कटायन, कार्ब कटायंस द कार्बन होल्ड टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज एंड 6-8 इन नेचर, 6-8 का मीनिंग होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कार्बन को बोलेंगे अपन कार्ब कटायन। थोड़ा आगे देखिए, चक्कर ऐसा चला, ऐसा चला कि इसने अपने में से ऑक्टेट में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ना करते हुए एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जब एक ही इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब तो बचे सर 7 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, इसने 2 लॉस किया, अभी इधर एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, बचेंगे कितने 7 इलेक्ट्रॉन होने से ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना इसके ऊपर निगेटिव, तो इसको अपन इस तरीके से राइट करते हैं ओके, और इसको बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलेंगे अपन रेडिकल। अब ये जो है ये बॉन्डिंग में है 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर फ्री है, इसको बोलेंगे अपन फ्री रेडिकल ऑफ द कार्बन। तो फ्री रेडिकल कब होते हैं, जब कार्बन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 7 रहा ऑड नंबर, अगर कार्बन के ऊपर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते तब कार्बन का नेचर फ्री रेडिकल होता है, कार्बन के अंदर यदि अगर इवन नंबर फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन के तब वो कटायन बनता है और अनायन। 6 रहा कटायन, 6 नंबर क्या एक्चुअली कटायन, इवन नंबर है तो कटायन बनेगा ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कार्ब अनायन, अब देखो कार्ब अनायन का वो सिंपल कंसेप्ट है, वी कैन से डूइंग अबाउट द कार्ब अनायन। कार्ब अनायन में क्या होता यू, इसके पास रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें थोड़ा नहीं दिख रहा था, थोड़ा इधर साइड में राइट कर रहा हूँ मैं, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहेंगे ओके, और बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन इसके सर के ऊपर रहेंगे लेकिन बॉन्डिंग में रहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो निगेटिव चार्ज बनेगा, इसी को बोलेंगे अपन कार्ब अनायन। ये था कार्बन की सिंपल केमिस्ट्री। अब कार्बन होता है टेट्रा वैलेंट ओके, अब आपको बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्ब कटायन, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कार्ब कटायन, कार्ब कटायन कार्बन होल्ड टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन इज ए इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट, कार्ब कटायन इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट होता है, और कार्ब कटायन के भी काफी टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओके। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल ना कटायन होता है ना अनायन, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में होता है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट जो होता है तो इसको मैं सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ 1-2-3-4 ही होना चाहिए, डबल बॉन्ड के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ 1-2-3-4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ ओके। इस तरीके से कार्बन को रिफाइन किया जाता है। आज का लेक्चर यही पे समाप्त होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, देखते रहिए 10 से 12 लेक्चर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस पढ़ा दूंगा।